मेरा इस SMD का प्रॉब्लम है कि लो ER में नहीं काम कर पा रहा हूँ, ज़्यादा ER दे के चला रहा हूँ और इसका आवाज़ भी हो रही है, लो ER में नहीं चल रही है। चलो इसको खोल के दिखाते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। ये सिर्फ 10 दिन हुआ है ख़रीदने में, 10 दिन के बाद से ये प्रॉब्लम आ गई। इसका वारंटी भी नहीं है, गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है। चलो इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए इसका ER कंप्रेसर। इसका साउंड को सुन लो, बहुत बहुत आवाज़ आ रही है और ER भी नहीं दे रही है अच्छी तरह से, बहुत लो ER आ रही है। देखिए मैं 10 पेड़ दिया हूँ, फिर भी एक कपड़ा को उड़ा नहीं पा रही है और साउंड भी इसका बैड है, बहुत बुरी तरह से साउंड कर रही है, लग रही है एक मोटर जाम है। मैं पहले इस मोटर को थोड़ा सा मोबिल या ऑयल दे के देखूँगी ये फ्री हो रही है कि नहीं, मोटर जाम है। अगर ये मोटर फिर भी जाम रहते तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए इसका मोटर का साउंड सुनिए, बैड साउंड आ रही है। सिर्फ 10 दिन हुआ है ये मशीन खरीदने में, मैं थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसको अंदर देता हूँ। लगता है कुछ दिनों से सूखा हुआ है इसलिए ये जाम भी हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ इस पर, इस मोटर के ऊपर। ये देखिए इसके बाद इसका साउंड को सुनाऊंगी और काम करके भी दिखाऊंगी किस तरह से काम कर रही है और साउंड किस तरह से हो रही है और इसका ER कंप्रेसर किस तरह से आ रही है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई और लास्ट तक देखते हैं किस तरह से काम किया मैं। ये मैं थोड़ा सा नारियल का ऑयल दे दिया, इसके बाद साउंड सुना के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका साउंड अब अच्छी तरह से आ रही है, तो सब फैन चल के दे देता हूँ। मतलब इसका मोटर जाम हो चुकी थी इसलिए इसका प्रॉब्लम आ रही थी। चलो इसको जो जा बॉडी पर गिर गया ऑयल वहाँ साफ सुथरा कर लेता हूँ और फिर मैं इसको फिटिंग करके आप लोगों को काम करके भी दिखा दूँगी कि किस तरह से काम कर रही है। और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो इसको फिटिंग कर लेते हैं, फिटिंग करने के बाद इसको दिखा दूंगी काम करके। अब इसका साउंड सुनो किस तरह से साउंड आ रही है और पहले किस तरह से आ रही थी।
बहुत बढ़िया साउंड हो गई उसका, और मैं इसका ईआर को सेट किया 5 या 6 पर, फिर भी काम कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 29 पर है, देखिए किस तरह से बढ़िया काम कर रही है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। इसी तरह आप लोग भी घर पर काम कर सकती है, मशीन को ठीक कर सकती है।